इधर आ सर। हाँ इधर ही चलो दोनों तुम्हारा वीडियो भी हो जैसी तो स्टिल भी हो जैसी भाई ठीक है जी ओके जी जगहों को भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों के पास ऐसी नहीं है सुविधा उनको प्रोवाइड है कि हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि जो स्वच्छ भारत जो अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है उसकी जो छवि हम रजौरी में बनाएं वो ऐसी बनाएं कि जो हमारे 17 वार्ड यहाँ पे रजौरी में हैं 17 वार्ड्स में भी अगर इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं और मेरे चेयरमैन साहब इसको पूरा लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो अप्रोच कर रही हैं। अभी हाल में ही हमारे पास कम से कम भी 4-5 ये प्रोजेक्ट थे, इनमें से पुलिस लाइन में भी एक शायद। चेयरमैन साहब आज इस उद्घाटन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस किस्म का जे जो आज आपने उद्घाटन किया है, कौन सा जो प्रोजेक्ट है और क्या चीज़ आप जहाँ पर बनाने जा रहे हैं? ये रजौरी म्यूनसिपलिटी की वार्ड नंबर 6 में हम एक कम्युनिटी टॉयलेट का आज एक बुनियाद रख रहे हैं। ये जो इस वार्ड नंबर 6 की इस खसूसी इस मोहल्ले की मलियार मोहल्ला जिसका नाम है, इसमें कम्युनिटी टॉयलेट की एक बहुत बड़ी परेशानी थी और हमारे पास काफ़ी अरसे से लगातार पिछले 2 महीने से पूरी कमेटी के पास हमारे पास ये चीज़ लोग अप्रोच कर रहे थे यहाँ से, और हमने भी जब यहाँ पर पहला आकर इसका देखा और महसूस किया कि वाकई ही यहाँ पर लोगों को कम्युनिटी टॉयलेट की ज़रूरत है, और हमने उसके बाद अपने जो हमारे जो कंसर्न एजेंसी थी उनको कहकर हमने एक अपना उनको ये कहा कि आप यहाँ पर ये शुरू करें और अब जल्द से जल्द यहाँ पर ये कम्युनिटी टॉयलेट बनेगा और ये लोगों की जो परेशानी थी ये परेशानी हल हो जाएगी। सर कितनी लागत से ये काम जो पूरा हो पाएगा? इसमें 13.5 लाख का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो हमारे कुछ 5 जो हैं वो अपना टॉयलेट सेट बनेंगे और 2 बाथरूम सेट होंगे और साथ एक केयर टेकर रूम होगा। ये 20x25 के प्लाट में ये सारा जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है पूरा बनता है। इसमें अगर जहाँ कोई जगह दस्तयाब है पूरी वहाँ तो हम वैसे ही बनाते हैं, अगर उसमें किसी जगह कोई जगह की कमी हो तो फिर जो केयर टेकर रूम है वो हम फ्लोर के ऊपर भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा जो चल रहा है उसके तहत ये सारी जो स्कीमें हमारे मतलब इस वक्त रजौरी म्यूनसिपलिटी में चल रही हैं और पूरी रियासत के अंदर चल रही हैं, ये पूरा सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन है ये उसके तहत हम जहाँ जहाँ भी हमारे मतलब लोकेशन हमारे पास हैं और जहाँ तो हम आपके NGO का भी वेलकम करते हैं कि इस किस्म के प्रोजेक्ट जो आप ला रहे हैं, और NGO के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कौन सी आपकी NGO है और किस स्कीम के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जो है आते हैं। ये हमारे NGO का नाम है परिवर्तन सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे भारत में काम कर रही है, अभी जम्मू में भी काम कर रही है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास बन चुकी है, एक अभी यहाँ ये वार्ड नंबर 6 में नियर मस्जिद के पास बनेगी। तो एक दो और है जो सलानी ब्रिज के पास, जैसा कि चेयरमैन साहब आपके बताया कि जल्दी ही NOC मिलेगी, उसके बाद वहाँ पर वर्क शुरू होगा। NGO कितना पैसा देती है इस प्रोजेक्ट की? NGO और गवर्नमेंट मिला के 15 लाख रुपए का ये कम्युनिटी टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाती है।